very warm welcome. Guys, we are living in 21st century globalized world. हमारे दिमाग में जो भी सवाल होता है उसका आंसर लुक करने के लिए वी टर्न टूवर्ड्स द इंटरनेट. वेदर वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर एक्सपर्ट्स, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में जो भी सवाल होता है हम सिंपल क्लिक से, क्लिक ऑन द मोबाइल, क्लिक ऑन आवर लैपटॉप, एक अलग डायमेंशन ऑफ रिसोर्स की तरफ रिडायरेक्ट हो जाते हैं. पता नहीं वो डायमेंशन कहां से आता है, फिजिकल तो कुछ है नहीं, कुछ पेजेस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, राइट, एक अलग डायमेंशन में वो अवेलेबल है, कुछ बहुत ढेर सारे रिसोर्सेस लिंक्ड हैं आपस में, जिनको जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ माउस हम सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने सारे सवालों का जवाब उठा लेते हैं. तो आखिर ये जो डायमेंशन है, ये जो नॉन फिजिकल डायमेंशन है, ये कहां है, इसे हम टच कर सकते हैं क्या, ये कैसे, वहां पे कौन लोग हैं जो इसे डालते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स यूज करके वहां पे डालते हैं, हम क्या प्रोटोकॉल्स यूज करके अपने सर्वर को, अपने सिस्टम को उससे कनेक्ट करके डेटा पुल कर लेते हैं. इन्हीं सब की चर्चा करने वाले हैं अपने इस नए चैप्टर पे, जिसका नाम है गाइस बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं हम ई करेस्पॉन्डेंस. तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बाइफर्केट करेंगे. सबसे पहला जो हमारा पार्ट होने वाला है, इट विल टॉक अबाउट द रूल्स, द रेगुलेशंस, द प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट. और जो इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है, विल टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट, कि भाई इंटरनेट तो है लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है करेस्पॉन्डेंस का, उसमें हम इंटरनेट की सहायता लेकर के क्या नया कर सकते हैं, या फिर क्या नया होता आया है, जिसको बोलते हैं ई करेस्पॉन्डेंस. ठीक है, दिस इज वन ऑफ योर रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड जस्ट हैव अ पेन, अ रेड पेन और अ हाइलाइटर इन योर हैंड. और एमसीक्यूज में जहां जहां बोलती जाऊंगी कि भाई दिस इज अ प्रोबेबल एमसीक्यू, उसको जो है आप हाईलाइट करते रहिएगा. ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ई करेस्पॉन्डेंस. द वर्ड ई करेस्पॉन्डेंस इज मेड अप ऑफ two different words. First is E, which means internet. ठीक है, internet. और correspondence, internet बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं हम electronic. Electronic is a better word. Basically बोलना यही जा रहा है कि internet की सहायता लेकिन electronic. और correspondence का मतलब क्या होगा ये आप बताओ. हम लोग इतने दिनों से correspondence ही तो पढ़ते आ रहे हैं. करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिजनेस आइडियाज. तो बिजनेस आइडियाज, मैसेजेस को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के पास पहुंचाते हैं अपने आइडियाज को, उसको कहा जाता है ई करेस्पॉन्डेंस. ई करेस्पॉन्डेंस का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल बताओ, ईमेल, राइट. सिर्फ ईमेल ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी तो काइंड ऑफ करेस्पॉन्डेंस है कि हम वर्बल करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हुए, राइट. तो आइए आप ये चैप्टर खोल लीजिए. लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन. अ हाइलाइटर इन योर हैंड और मे बी अ रेड पेन इन योर हैंड. टुडे In 21st century globalized world, the uses and needs for 24 hours availability system of internet have been unprecedented. इसका मतलब पहले कभी ना देखा गया कोई सा चीज, उसको बोलते हैं unprecedented. 21वीं सदी globalized world में जितना काम हमारा, जितनी सहायता हमारी इंटरनेट कर रहा है, उतनी सहायता शायद ही कभी ऐसी किसी और रिसोर्स ने की हो, या फिर शायद ही कभी हिस्ट्री में हमने इतना इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो. हर वक्त 24 घंटे 24/7 हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन होता है. गूगल इज जस्ट अ क्लिक अवे. कोई क्वेश्चन दिमाग में आया
किसी भी तरह का क्वेश्चन आया, एजुकेशनल नॉन एजुकेशनल व्हाटसोएवर, हमने बस गूगल में टाइप किया, हमें उसका जवाब मिल गया, राइट? तो काइंड ऑफ रियली अमेजिंग. प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स, वी आर ऑल टर्निंग इंक्रीजिंगली टुवर्ड्स द इंटरनेट इन आवर डेली लाइव्स. वेदर वी वॉन्ट टू फाइंड एजुकेशनल ओपनिंग्स अब्रॉड, डू बैंकिंग ऑपरेशंस ऑनलाइन, फाइंड रिसर्च मटीरियल ऑन एन इशू, सेंड कॉर्पोरेट ईमेल्स, इंटरनेट इज द प्लेस वेयर वी गो मोस्ट ऑफन. तो वो जो प्लेस होती है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट. कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ही होता है इंटरनेट. यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अब आगे इस पूरे चैप्टर की चर्चा हम करेंगे, इसमें जो टर्म्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, HTML, ऐसे बड़े सारे शब्द आएंगे जिनको आपको हाईलाइट करना है, और इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, उसको एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगी, जिससे कि वो कहीं से भी कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए. ठीक है, चलिए. तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेट, सबसे पहला वर्ड जो आपने हाईलाइट करना है इज इंटरनेट, या फिर अपनी कॉपी में लिख लो. ठीक है, देखो फिर क्या लिखा हुआ है. जो प्लेस है, प्लेस वेयर वी गो मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड इंटरनेट. फ्रॉम द ट्राइवियल टू हाईली कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्राइवियल का मतलब डे टू डे चीजें, टू हाईली कॉम्प्लेक्स थिंग्स, वी लुक फॉर आंसर्स टू मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस इन द वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज व्हिच इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. तो हमारे पास अभी दो टर्म्स आए. पहला टर्म दोस्तों क्या है? इंटरनेट. और जो हमारा दूसरा टर्म आया वो है वर्ल्ड वाइड वेब. तो अभी तक इतना समझ में आया, ये दो शब्द अपनी कॉपी में लिख ले, क्योंकि इस पे बहुत सारी चर्चा होने वाली है, डिफ्रेंसिएशन होने वाला है. तो सबसे पहले लिखिए जो प्लेस होती है, प्लेस वेयर वी गो टू टू सर्च थिंग्स. ठीक है, अभी इसमें और डेफिनेशंस ऐड होएंगी और क्लैरिटी ऐड होएगी. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये एक रिसोर्स है भाई, ये एक रिसोर्स है. एक डायग्राम बना लेना, ये है एक रिसोर्स, वाइड गैमेट ऑफ रिसोर्स, बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज. तो उसको बोलते हैं, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, जिस मीडियम से, जिस माध्यम से, जिस नेटवर्क के थ्रू हम इसको हैच करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस नेटवर्क को ही कहा जाता है इंटरनेट. कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है मेरी क्लास में. ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट. तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यहां पे क्या लिखोगे आप? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ढेर सारी इंफॉर्मेशन है. इट इज अ सिस्टम, अ रिसोर्स ऑफ हाइपर इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. नाम इसका क्या मतलब हो गया? इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. रिसोर्स के बाद नेक्स्ट लाइन लिखना रिसोर्स, या फिर बोल सकते हैं इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हाँ, इसका क्या मतलब हो गया? जब फेसबुक खोलते हो, या फिर मान लो कि कोई भी एक गूगल कुछ टाइप किया कि व्हाट कैन आई बिकम, व्हाट स्ट्रीम कैन आई चूज आफ्टर क्लास 12th, ये आपका गूगल का क्वेश्चन था. उसने जो है कुछ वेबसाइट्स थी, उस पर आपको चैनलाइज कर दिया, डायरेक्ट कर दिया. आपने एक को टच किया, ठीक है, एक को क्लिक किया. ठीक, अब जब आपने क्लिक किया तो एक वेबसाइट आई, उसमें बोल रहा है कि आप सीए कर सकते हो. अगर आपको सीए के बारे में और जानना है तो आप पूरी डिटेल्स जाननी है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्लिक करो, उसकी लिंक ये दी हुई है. तो कहने का मतलब हाइपरलिंक्ड है, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक. ठीक है, अलग से ना सर्च करना पड़े, वहीं पे कोई लिंक दी हुई हो जिसको आप क्लिक कर सको. दैट इज नोन एज हाइपरलिंक टेक्स्ट लैंग्वेज. इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट विद अ वेब ब्राउजर. One can view web pages that contain text, image, video. अब यहाँ पे दो words और आए दोस्तों, highlight करिएगा web browser और highlight करिएगा web pages. ठीक है,
तो वेब पेजेस क्या हो गए, सबको पता है पेजेस और ब्राउजर के बीच में डिफरेंस मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। पेज हो गया वो पर्टिकुलर रिसोर्स, वो पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड वेब, और ब्राउजर हो गया इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट का जो इंटरनेट पे जो अलग अलग गूगल या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, ये सब ब्राउजर्स हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट ट्रैवल करके उस वेब पेज, उस वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हो। बातें समझ में आ रही हैं? अगर कुछ डाउट है तो मेरे इन सेंटेंसेस को, इन एग्जांपल्स को कॉपी में लिख लो, एग्जांपल्स की हेल्प से याद रहता है, ठीक है। मेनी पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजेबली, बट इन फैक्ट दीज टू टर्म्स आर नॉट सिनोनिमस। The internet and the world wide web are two separate but related things. तो लोग क्या करते हैं, अनजान लोग जो हैं इसको एक जैसा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। यहां पे बात कर रहे हैं हम वेब की, ठीक है। फटाफट देखिए, द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली नोन एज वेब, तो वेब को हम और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल, या फिर रिसोर्स भी तो कह सकते हैं ना इसे, यही तो रिसोर्स है जहां से हमको अपनी नॉलेज मिलती है। और यहां पे अपन बात कर रहे हैं इंटरनेट की, इंटरनेट को और क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर सिंपली वेब इज बिल्ट ऑन नेट, ऑन इंटरनेट। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब का रिसोर्स है दोस्तों, ये जो रिसोर्स है पूरा का पूरा, ये किस पे बिल्ट होता है, ये इंटरनेट के ऊपर बिल्ट होता है, इंटरनेट के ऊपर बिल्ट होता है। The web uses HTTP protocol, one of the languages spoken over the internet, to transmit data. ठीक है? तो अभी दो words आने वाले हैं, HTTP और HTML, जिसके ऊपर पूरी proper चर्चा होगी ऐसे ही, जैसे मैंने इन दोनों के बीच में differences बताए। तो याद रखना, highlight कर लो, HTTP, full form, hypertext. The web uses the HTTP protocol, one of the languages spoken on the internet, to transmit data. It's hypertext transfer protocol, if I'm not wrong. It's hypertext transfer protocol, all right? To transmit data. नाम से ही समझ में आ रहा है, data transmit हो रहा है, data transmit हो रहा है, एक से दूसरी जगह पे transfer हो रहा है। तो HTTP का full form hypertext transfer protocol ही होगा, जहां तक मुझे लगता है, आगे clear हो जाएगा। Web services which use HTTP to allow applications to communicate in order to exchange business logic, use वेब टू शेयर द इंफॉर्मेशन। क्या बोला, जो वेब सर्विसेज हैं, जो भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मेरी कंपनी इंटरनेट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब पे रिसोर्सेज किस किस चीज के हेल्प से डालती है, HTTP के हेल्प से डालती है, ठीक है। HTTP को हम क्या बोल सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में मतलब समझ में आ गया कि ये रिसोर्स है जो कि इसके ऊपर बना हुआ है। जो अगली चर्चा करेंगे वो HTTP की करेंगे और HTML की करेंगे। HTML क्या होता है मैम, देखो वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोगों ने ऐसे ऐसे लिख दिया, लेकिन और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को मैंने ऐसे ऐसे भी लिख दिया, लेकिन पता है ना ये अलग से वो होते हैं URLs के पहले जो लगते हैं, है ना, याद होगा www.studyathome.org, http. तो इससे कंफ्यूज मत करना, अपने में एक शब्द भी है, उसका एब्रिविएशन है, लेकिन ये URLs के पहले भी लगता है, ठीक है। तो HTTP मैं बात कर रही हूँ HTTP की, और मैं बात कर रही हूँ आपसे HTML की।
ध्यान से सुनना। तो भाई बोल रहा है हम लोगों ने क्या करना है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अपना रिसोर्स डालना है, अपनी डेटा डालनी है। ये डेटा इंटरनेट के हेल्प से तो डलेगा, पता है, इंटरनेट के ऊपर पड़ेगा वर्ल्ड वाइड वेब रिसोर्स, लेकिन कैसे पड़ेगा, HTTP को ही यूज करके। ठीक है, आइए देखते हैं। यूजेस द वेब टू शेयर इंफॉर्मेशन, द वेब ऑल्सो यूटिलाइजेस ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द वेब पेजेस। अब यहां पे दो चीजें और हैं, एक हो गया वेब पेजेस और एक हो गया दोस्तों वेब ब्राउजर। तो हम ये कह सकते हैं वेब पेजेस रिसोर्सेज हो गए, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो रिसोर्सेज हैं वो वेब पेजेस हैं, और वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट की हेल्प से हम www वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम वेब पेजेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेब पेजेस की तरफ जाते हैं, लेकिन उन वेब पेजेस की तरफ जाने का जो हमारा माध्यम होता है वो होता है वेब ब्राउजर। जैसे कि आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो bing.com से सर्च करते हो, आप गूगल से सर्च करते हो, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, हम वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द वेब पेजेस, वेब पेजेस को और क्या बोल सकते हैं, वेब पेजेस को बोल सकते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपस में आर लिंक्ड टू वन अनदर वाया हाइपरलिंक्स। अब यहां पे आता है हमारा पांचवा शब्द जिसका नाम है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की बात पता ही होगी कि अलग अलग वेब पेजेस, अलग अलग रिसोर्सेस एक दूसरे से लिंक्ड किसके थ्रू है, हाइपरलिंक के थ्रू। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक्स। अभी जो हमारे वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, आपको पता है उसमें हर तरह का मीडिया होता है, वॉइस होता है, वीडियो होता है, क्लिप्स होती हैं, डेटा आई मीन वर्ब्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ ब्राउजर, अब हम बात कर रहे हैं ब्राउजर की। ठीक है, अभी मैं एक समरी में आपको सबके बीच का लिंक बता दूंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, ई कॉरेस्पॉन्डेंस नोट कर लिया होगा आपने। What is the browser? A web browser is a software application. Obvious बात है, एक software application है that enables you to find, retrieve, display information available on the world wide web. ठीक है? Browser also allows you to traverse information resources on the www. तो ये बोल सकते हैं भाई, ये बोल सकते हैं कि www world wide web पे जो पर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम रिट्रीव कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेब ब्राउजर की हेल्प से। ये बोल सकते हैं ना, वेब पर www वेब पर। अब वेब के अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे वेब पेजेस हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, गूगल क्रोम, और क्या हो गया, ओपरा, फायरफॉक्स, ठीक है। ब्राउजर ऑल्सो अलाउज यू टू ट्रैवर्स इंफॉर्मेशन, ट्रैवर्स का मतलब ट्रैवल अक्रॉस। भाई एक चीज आपने सर्च की, अपने सर्च बार में एक चीज डाली, ब्राउजर आपका जो ब्राउजर है, गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप यूज कर रहे हो, वो तो हर जगह ट्रैवल करता है, ट्रैवर्स करता है और आपके मन मुताबिक इंफॉर्मेशन आपके पास ला करके रख देता है। द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग द टैग्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब सबसे पहले तो आपके पास दो शब्द आ चुके हैं, एक है HTTP और एक है HTML, इसके बीच का डिफरेंस समझिए। फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सबसे पहले जो है, इट इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर सिंपली वेब। ठीक है, मींस ऑफ क्या, मींस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, लिख लीजिएगा इसको।
ठीक है. अंडरलाइन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय WWW डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड. देखो सिंपल सी बात समझो, दो चीज होती है, एक होती है वेब पेज और एक होती है वेब पेज के अंदर की इंफॉर्मेशन. तो वेब पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी एट होम है, तो उसका जो वेब पेज डिजाइन किया गया है उसमें कहीं किसी की फैकल्टी की फोटो है, किसी के उसके बारे में वर्ड्स हैं, कुछ साउंड क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, तो वो जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है HTML से. इट इज यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस, राइट. यहां पे हम क्या लग सकते हैं, HTTP इज एन अंडरलाइन प्रोटोकॉल. मैम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल आप बोल रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल का मतलब कुछ नहीं, कंप्यूटर की दुनिया में जो रूल्स होते हैं उनको ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है. तो अंडरलाइन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, इट डिफाइंस हाउ द मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड. इट इज एन अंडरलाइन प्रोटोकॉल used by web decides how information on web या फिर बोल सकते हो on web pages is formatted या ट्रांसमिटेड. तो ये समझ सकते हो कि HTML तो बाद में आता है, HTML तो बाद में आता है, जो इंफॉर्मेशन WWW पे किस तरीके से पड़ेगी, किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, किस तरीके से फॉर्मेट होगी, उसका जो काम है उसका ठेका लेकर के रखा है HTTP ने, ठीक है. और हम HTML में मैम और क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डेवलप द वेब पेजेस that are displayed on the web and one page is connected to each other via hyperlink. So simple si baat hai, it is used to develop the web pages. Web pages are present on the web. Aur ek web page dusri web page se kaise link hota hai, hyperlinks ke through. Baat samajh mein aa gayi, difference samajh mein aa gaya, ye hyperlink ke through. To matlab over the world wide web, over the web, one web page या फिर one web document is connected to other via hyperlinks. इतनी simple सी तो बात है, सब क्लियर हो गया. इंटरनेट और WWW तो पहले क्लियर कर दिया था कि भाई WWW एक रिसोर्स है, एक WWW बहुत बड़ा सा रिसोर्स है, वाइड गैमेट ऑफ रिसोर्स है, ठीक है. इसको अगर आपने वो कर लिया हो, कॉपी कर लिया हो, तो एक जिस्ट बता दूं, एक समरी बता दूं आपको मैं. वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा इसको. तो हमें जो भी काम है इंटरनेट से, इंटरनेट में हम कोई भी सवाल ढूंढते हैं तो उसका जवाब हमें मिलता है एक रिसोर्स से, बड़े से रिसोर्स से, ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस से, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब. नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज, या फिर कह सकते हैं इसको वेब. अब भाई हम तो घर पे बैठे हुए हैं अपना सिस्टम अपनी नजरों के सामने लेकर के, या फिर अपना स्मार्टफोन अपनी नजरों के सामने लेकर के बैठे हुए हैं. अब हम कैसे इस तक पहुंच पाए, तो हम एक माध्यम से पहुंच पाते हैं. जैसे हम फोन मिला रहे होते हैं, तो पहले के जमाने में लैंडलाइन होते थे तो तार हुआ करता था, वही तो तार है इंटरनेट. आजकल वायरलेस हो गया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. अब मैडम ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या होता है?
भाई वर्ल्ड वाइड वेब में अलग अलग लोगों की, आपकी मेरी वेबसाइट्स होती हैं, सारे ज्ञान के सोर्सेज होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। मैम हम लोग ये वेब पेजेस कैसे बनाते हैं? अरे भाई लिखना है तब तो पेन से लिख लेंगे, लेकिन कहीं अलग डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैम ये प्रोटोकॉल होता है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है मैम, इसके हेल्प से यही डिसाइड करता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगी, कैसे फॉर्मेट होगी, कैसे बंदा रिट्रीव करेगा। समझ में आ रहा है? अब मैम आपने कहा इंटरनेट, तो हम जो है क्या इंस्टॉल करें इसमें कि हम इंटरनेट के ऊपर चल पाए? जैसे कि पानी है, पानी है, पानी इंटरनेट हो गया, पानी के ऊपर कैसे ट्रैवल किया जाए? वो नाव कौन सी है? तो वो जो नाव होती है उसको ही तो कहते हैं ब्राउजर। क्या बोलते हैं उसको? उसको ही तो बोलते हैं वेब ब्राउजर। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब यहां पे ये समझो कि मैंने कहा कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें डेटा कैसे लिखा जाता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं HTTP। अब वेबसाइट और वेब पेजेस होते हैं, इनको कैसे डेवलप किया जाता है? समझ रहे हो? कहाँ पे फोटो होगी, कहाँ पे वीडियो होगा, कहाँ पे वर्ड्स होंगे, तो उसके लिए मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML, मार्कअप लैंग्वेज। अभी पूरा डिफरेंशिएशन समझाया था ना? और ये सारे जो चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है हाइपर लिंक के थ्रू, ठीक है, हाइपर लिंक के थ्रू। क्लियर हो गया? A web browser converts the HTML tags and their content into formatted display of information. तो जो web browser है वो जो HTML के tags होते हैं, मैम HTML tag मतलब एक website है उसमें एक HTML tag बोल दिया कि faculty की photo, एक HTML tag बोल रहा है कि video चलेगा, एक HTML tag बोल रहा है words आएंगे। तो जो web browser होता है वो convert करता है HTML tag और उनके content को एक फॉर्मेटेड डिस्प्ले, भाई दिखना चाहिए अंदर, तो मार्कअप लैंग्वेज ने कोडिंग की हुई है, हमको दिख रहा है, इंटरफेस पे दिख रहा है, वो काम कौन करता है? वेब ब्राउजर कर रहा है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर कन्वर्ट्स हो गई बात, दस अ वेब ब्राउजर अलाउज यू टू सी द रिच वेब कॉन्टेंट फ्रॉम अ वेबसाइट। तो भाई वेब ब्राउजर की हेल्प से ही, ब्राउजर की हेल्प से ही, एक नाव की मदद से ही तो हम दूसरे किनारे पे क्या है उसको देख पाएंगे। Some of the popular web browsers are Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. ठीक है? A brief description about some of these interactions buttons. अब देखो, अब जो चर्चा हो रही है वो हमारे एक कंप्यूटर की हो रही है, कि भाई इंटरफेस की चर्चा हो रही है। ये बातें समझ में आ गई होंगी hopefully? इसी में से MCQ आएंगे। ये समझ में आ गया, अगर ये सारे differences, 6-7 terms के differences समझ में आ गए, 40% complete हो गया syllabus. ठीक है। अब जो है हम जब अपने लैपटॉप पे बैठते हैं या फिर अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो जो हमारा मान लो कि ये ऐसे करके हमारे अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं, यहाँ पे एड्रेस बार होता है, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, बैक और नेक्स्ट के बटन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई पेज खुला हुआ है, ये अलग अलग पेजेस खुले हुए हैं, ठीक है, यहाँ हमारा अपना लैपटॉप का अपना डेस्कटॉप हो गया, भाई टूल बार हो गए, यहाँ पे डेट वेट हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब बोल रहा है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने कुछ खोल रखा था एड्रेस बार पे, आप बैक करते हो तो जो इसके पहले आपने वेबसाइट या फिर वेब पेज खोला था आप उस पर चले जाते हो, जैसे होता नहीं है कि हम मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे हमको अपने कार्ट में कुछ और चीज चाहिए तो हम बैक बटन पे जाएंगे, फिर से हम शॉपिंग वाले पोर्टल पे आ जाएंगे, नेक्स्ट बटन फॉरवर्ड बटन दबाएंगे तो फिर से हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, बैक फॉरवर्ड बटन हो गया, उसका यही काम होता है। टैब, टैब क्या होते हैं? ये अलग अलग टैब्स होते हैं, टैब अलाउज यू टू व्यू मल्टीपल वेब पेजेस, यहाँ पे हमने ICSI का टैब खोल लिया, यहाँ पे फेसबुक खोल लिया हमने, यहाँ पे ट्विटर खोल लिया, यहाँ पे कुछ खोल लिया, तो इनको बोलते हैं हम टैब, ठीक है। तो टैब, टैब अलाउज यू टू व्यू मल्टीपल वेब पेजेस इन द सेम ब्राउजर, तो मैंने तो ब्राउजर तो एक ही खोला, मेरा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है लेकिन अलग अलग टैब्स में अलग अलग वेबसाइट्स वेब पेजेस मैंने खोल रखे हैं। एड्रेस बार, सिंपल सी बात है, ये एड्रेस बार इट इज ऑल्सो नोन एज URL बार, URL, ठीक है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ठीक है,
So URL bar is a place where you can type the web page address that you want to retrieve from the web address. It also displays the address of the web page currently being visited. So agar aapne is pe click kar rakha hai aur yahan pe Institute of Company Secretary of India ke page khula hua hai, to yahan pe address mein dekhoge achanak se ICICI likha aa jayega. Yahan pe agar aapne Facebook khola, isko tab ko click karoge mouse se, to yahan pe Facebook ka link aa jayega, URL aa jayega, theek hai? Recent history, यहाँ पे जाकर के settings एक होती है, पता ही होगा आपको, settings में जाकर के आप history delete भी कर देते हो. Recent history, this shows the links of the web pages जो आपने previously visit किए हैं. Refresh का button होता है यहाँ पे, एक refresh का, reload का, ऐसे यूं करके refresh button होता है, right? तो फिर से page reload हो जाता है. फिर उसके बाद stop होता है. यहीं पे अक्सर ऐसे करके cross करके बना होता है. उसपे अगर for example आपने go कर दिया और अचानक से stop कर दिया, तो वो load नहीं होगा. उसको बोलते हैं stop button. होम बटन अक्सर ऐसे किया रहता है. तो अगर किसी वेबसाइट पे ICICI की वेबसाइट से आपको कोई बुक ऑर्डर करनी है, तो आपने काफी आगे 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 गए, लेकिन अब आप चाहते हो कि अचानक से फर्स्ट जो होम वेबसाइट है, तो होम इंटरफेस है उस वेबसाइट का, वो आ जाए, तो आप होम क्लिक करोगे, तुरंत चेंज हो जाएगा. उसके बाद सर्च ऑप्शन, तो भाई यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके सर्च ऑप्शन भी होता है, ठीक है. तो सर्च ऑप्शन अलाउज एनी टर्म टू बी सर्च्ड बाय द सर्च इंजन फ्रॉम द वेब. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सर्चिंग कॉन्टेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट. किसी एक वेबसाइट पे अगर हम गए होते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का अपना सर्च बटन होता है, हर जगह होता है, देखा ही होगा आपने, ठीक है. ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए कि भाई एलिमेंट्स अलग अलग क्या होते हैं, इंटरेक्शन बटन्स क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट. तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स, ढेर सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क. द इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. आप वर्ल्ड वाइड वेब पे टिक करके मत आ जाना. एंड इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशंस. इंटरनेट अलाउज यू टू शेयर रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस विद ईज. द इंटरनेट कैन कैरी एनी डिजिटल सिग्नल्स such as text, graphic, sound, video, animation. Today, the internet has thousands of networks and millions of users using many services. The internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet. एक बार कनेक्शन अगर टूट गया, तो आप डेफिनेट सी बात है कि आप उस नेटवर्क में से हट गए. अगर हमारे मोबाइल में सिग्नल नहीं है, तो हम उस जो नेटवर्क का झुंड है, उसमें से पीछे आ गए. इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट डज सो वाया अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज प्रोटोकॉल्स. द इंटरनेट यूजेस TCP/IP एज इट्स बेसिक प्रोटोकॉल्स ऑन विच मेनी मोर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स हैव बीन डेवलप्ड. अब देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक वाइड गैमेट ऑफ नेटवर्क है, जो बहुत ढेर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना. और ये भी हम बोल सकते हैं, एक जगह कॉपी में लिख लो, कि जो वेब है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इट इज जस्ट वन सर्विसेज ऑफ द मेनी सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंटरनेट. वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि भाई इंटरनेट के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हर चीज को कैरी कर सके, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो. लेकिन वो इसके लिए एक रूल यूज करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. तो भाई हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था. हाइपर टेक्स्ट, देखो हम लोगों ने दो बात की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और क्या था, ये नया आ गया भाई TCP/IP, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. तो ये किसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये किसके रूल्स होते हैं, इंटरनेट के, नेटवर्क के, ठीक है. नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स रूल्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं TCP/IP. ये किसके होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के, और ये किसके होते हैं, वेब पेजेस के. समझ में आ गया, बस सिंपल सी बात बोली है इसने कि द इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल एज इट्स बेसिक प्रोटोकॉल ऑन विच मेनी मोर एप्लीकेशंस. तो टीसीपी के लिए एक और चीज बोल सकते हैं हम कि टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन सेटअप करता है बिटवीन टू मशीन्स. एंड HTTP यूजेस TCP फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा. देखो TCP के बारे में और क्या बोल सकते हैं, कि जो TCP है, ऐसे लिख लेना कि हिंदी में लिख लो कि TCP जो है या फिर IP जो है, ये एक रिलायबल कनेक्शन सेटअप करता है. रिलायबल का मतलब जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके.
रिलायबल कनेक्शन सेटअप करता है. कौन? ये जो आईसीपी आईपी और टीसीपी है, ये जो आईपी और टीसीपी है, ये एक रिलायबल कनेक्शन सेटअप करता है बिटवीन टू मशीन्स जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहती हैं. जो दो मशीन्स इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहती हैं, वो इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होती हैं? कुछ रूल्स के बेसिस पे. उन रूल्स को ही टीसीपी और आईपी कहते हैं. ठीक है. और जो एचटीटीपी है, हम बोल सकते हैं कि एचटीटीपी किसका सहारा लेता है? टीसीपी आईपी का सहारा लेता है. जिस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड वेब हुआ करता था, वो इंटरनेट का सहारा लिया करता था. ठीक है. तो एचटीटीपी यूजेस टीसीपी फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा. ठीक है. द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज इन एवरीडे स्पीच विदाउट मच डिस्टिंक्शन. बात हो चुकी है. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. इन कॉन्ट्रास्ट वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज दैट रन्स ऑन द इंटरनेट. It is a collection of textual documents and other resources linked by hyperlinks and URLs transmitted by the web browser and web servers. In short, the web can be thought of an application running of the on the internet. So, internet ek wide gamut hai. Usme se ek choti si kuch service hai web, jo ki kiska istemal karti hai? Web browsers ka wahan tak pahunchne ke liye. Viewing a web page on the World Wide Web normally begins either by typing the URL. अब नई चर्चा हो रही है कि भाई अब हम वेब पेजेस पे वो जो रिसोर्स हुआ करते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब पे, उन पे हम कैसे पहुंचते हैं, क्या लिख के पहुंचते हैं. तो एक शब्द होता है, एक एब्रिविएशन है URL. ठीक है. यूनिक रिसोर्स लोकेटर. तो हमारे पास जो URL होता है उसको ही तो हम टाइप करते हैं अपने एड्रेस बार पे, है ना. या तो हम क्या करते हैं मैम, हम तो नॉर्मली लिख देते हैं ICSI और हम गो कर देते हैं. तो अक्सर देखा होगा http://institute-of-armenia.com ऐसे करके आ गया, या फिर URL ऐसे करके आ गया. तो इसी को बोलते हैं यूनिक रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. इन शॉर्ट वेब कैन बी थॉट ऑफ, ये हो गया व्यूइंग अ वेब पेज बाय टाइपिंग URL ऑफ द पेज इनटू वेब ब्राउजर और बाय फॉलोइंग अ हाइपरलिंक. तो दो तरीके हो सकते हैं किसी वेबसाइट पे पहुंचने के. या तो अगर उसको आपको URL पता है तो उसको टाइप कर दीजिए, नहीं तो किसी एक पेज पे है उस पे हाइपरलिंक ऑलरेडी दे रखी है, उस पे जाओगे वो एक्टिव हो जाएगा कर्सर, उस पे क्लिक कर दो, दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाओगे, दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे. सिंपल सी बात है. द वेब ब्राउजर देन इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस बिहाइंड द सीन्स इन ऑर्डर टू फेच एंड डिस्प्ले डेटा. फेच एंड शो करना, डिस्प्ले डेटा. ठीक है. द लेटर्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बॉक्स बना लीजिए. द लेटर्स रिटन बाय वन पार्टी टू अनदर एंड द आंसर्स देयर टू मेक व्हाट इज कॉल्ड द करेस्पॉन्डेंस ऑफ द पार्टीज. अब देखो, हमने इतनी चर्चा इंटरनेट की कर ली, इंटरनेट के टर्म्स की चर्चा कर ली. अब आती है मेन मुद्दे की बात कि भाई हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में. तो वही क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, करेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है. करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक सेंडर के आइडियाज, के बिजनेस आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है. और उससे आंसर्स लेना, यही तो करेस्पॉन्डेंस होता है. जब इस करेस्पॉन्डेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में करते हैं, बातों के फॉर्म में नहीं, लेटर्स के फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे करते हैं, तो उसको बोला जाता है ई करेस्पॉन्डेंस. सच करेस्पॉन्डेंस इफ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वाया द इंटरनेट इज कॉल्ड ई करेस्पॉन्डेंस.